नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दुबे और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली सरकार का प्राइवेट हॉस्पिटल पर शिकंजा, कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए नहीं कर सकेंगे इनकार। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की कराची के आर्मी अस्पताल में मौत की अपुष्टि खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक दाऊद और उसकी पत्नी दोनों कोरोना वायरस से संक्रमित और गंभीर रूप से बीमार हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना 84 नए मरीज मिले, संक्रमण से दो की मौत और एम्स के कोरोना वार्ड प्रभारी डॉक्टर, वार्ड बॉय और लैब टेक्नीशियन भी पॉजिटिव। देश में अब तक 6,947 मौतें, कोरोना ने एक दिन में सबसे ज्यादा 298 लोगों की जान ली। महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा 3,000 के करीब पहुंचा। दिल्ली में 53 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना पर विशेषज्ञों का दावा, सितंबर के दूसरे हफ्ते तक देश से खत्म हो सकती है महामारी। मैथ्स के बैली मॉडल्स ने किया अध्ययन, यूरोप के कई देशों में नतीजे सही निकले। आरडी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।